तो उसको कितना भी करने पर मैं किस देवता का जप कर रहा हूं उसे कुछ मालूम नहीं हुआ। तो उसने कहा कि प्रभु तुमने तो कहा कि तुम भगवती की जप करो, भगवती किस तरह होती है, क्या होता है भगवती का। तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुझे मृणमय यानी मिट्टी से उस देवता का आकार बनाकर तुझे देता हूँ, वो तुम्हारे सामने रखकर तू उस देवी की पूजा कर, उस वाग्भव बीज का, उस वाग्भव बीज की पूजा कर। उन्होंने मिट्टी से एक मूर्ति बनाई और उनके सामने रखी। उसको देखने के बाद उनको लगा कि सचमुच ये मेरी रक्षा करती है, जिसके हाथ में हथियार है, जो एक भयंकर है, जिसका रूप देखने पर लगता है अगर वो प्रसन्न होगी तो मेरे सारे शत्रु भाग जाएंगे। और उन्होंने उस देवी की आराधना आरंभ कर दी। उस देवी की आराधना जैसे ही आरंभ हुई, वो बिना पानी बिना कुछ लिए वो उस मूर्ति के सामने खड़े रहे और केवल अयम बीजाक्षर का मंत्र करते रहे एक महीने तक। जब एक महीने तक हुआ तो माँ प्रत्यक्ष होकर कहा, बेटा तू किसकी साधना कर रहा है। तुमने कहा, माँ आप कौन है। मैं वही भगवती हूँ जिसने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने तुमके लिए कहा, तुम्हारे लिए कहा था। वो प्रत्यक्ष हुई तो उन्होंने उस वाग्भव से कहा, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और वही प्रियव्रत नाम के उस संसार के उस बाद में उनके बाद वैवस्वत मंत्र और मनमंत्र उनके नाम से चला। उसके बाद उनके दो पुत्र हुए उत्तम और तामस नाम के। वो भी इसी प्रकार जब परेशान थे तो उन्होंने कहा कि तुम भगवती की आराधना करो। एक ने काम बीज की आराधना की और एक ने शांति बीज की आराधना की। एक शांति बीज के नाम से ह्रीम बीजाक्ष को जाना जाता है और काम बीज क्लीम के नाम से जाना जाता है। जब ये हुए आगे चलते गए और जितने भी मनमंत्र में मनु लोग हुए, जितने भी मानव हुए, चाहे स्वरुचि मनु हो, प्रियव्रत हो, या फिर चाक्षुषी हो, चाक्षुष मनमंत्र हो, इन सारी चीज़ों में इन सभी लोगों ने माता भगवती की आराधना की और उस मनमंत्र के अधिपति राज्य चक्रवर्ती तो उन्होंने प्राप्त किया उस माता भगवती के आशीर्वाद से। वो उस मृणमय मूर्ति की पूजा की और उन्होंने मंत्र जब आरंभ किया। इसके बाद बहुत दिन इसी तरह चले गए। बहुत दिनों के जाने के बाद इसी प्रियव्रत के यानी पांचवे पुत्र हुए सुरथ नाम के एक राजा। वो बहुत ही धर्मशाली थे, सत्यव्रत थे, सत्य के असत्य का प्राण किया करते थे। उनकी जमाने में प्रजा बहुत शांति थी और वो भी बहुत ही सुंदरता से राज्य करते थे। लेकिन उस समय उनकी उस पूजा के बाद हुआ ये कि काल कौलध्वंसी नाम का एक राक्षस रूपी राजा आकर सुरथ नाम राजा को युद्ध करके हरा दिया। वह एक भैरवगण का एक राक्षस का आराध्य था और उसने उनको जब हरा दिया तो ये देखकर सुरथ को बहुत ही हुआ। उनकी प्रजा, उनका सब धना सर धारा धन लूट लिया गया और उनको मारने की धमकी दी तो वो वहाँ से जंगल में भाग गए। सुरथ नाम के वो राजा जो इस मनवंतर में एक जगह आते हैं कि वो उनके पांचवे पुत्र थे मनु के, तो उन्होंने वो जब आए तो जंगल में घूमने लगे कि मेरा इतना सब राज्य था, इतना सब कुछ था, सब कुछ उसने कालविध्वंस नाम के उस राक्षस ने मेरा पूरा सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ निकाल दिया। ये मेरा जीवन क्या है, मैं जंगल जंगल घूम रहा हूँ। वो घूमते जा रहे थे, बहुत दिन हो गए तो उन्हें एक ऋषि का आश्रम मिला। उस ऋषि आश्रम में सुमेधा नाम के एक महामुनि वहाँ बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस ऋषि के आश्रम के सामने खड़े हो गए, दो तीन दिन खड़े रहे तो ऋषि को देखा कि ये कौन खड़ा है। उन्होंने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आया हो। तो उन्होंने अपने आंखों में आंसू लाकर कहा कि मैं एक सुरत नाम का राजा हूँ, मुझे एक कालविध्वंसी नाम राक्षस ने पूरी तरीके से लूट लिया, सभी लोगों को मार दिया और मैं आज जंगल जंगल घूम रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों हुआ, मुझे मेरे से गलती क्या होगी। तब सुमेधा नाम के उस ऋषि कहते हैं कि तेरे पिता, परम पिता और तेरे जो पड़वे थे ऐसे थे, महान पितामह वगैरह थे, वो लोग माँ भगवती की आराधना करते थे और उस माँ भगवती की आराधना करते हुए उन्होंने जिस मृणमय मूर्ति की यानी मिट्टी की मूर्ति की आराधना की और वो आराधना करते हुए श्रेष्ठ बने, उस मूर्ति की तू भी आराधना करता है तो काल विध्वंस के उस राजा को पूर्ण तरीके से हरा कर तू भी महान श्रेष्ठ बन जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा, इसकी पूजा का विधान क्या है, इसे किस तरह कहते किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि पहले तेरे पिता थे, उन्होंने वाग्भव बीज अयम का जप किया। बाद के पिता हुए, उन्होंने शांति मंत्र ह्रीम बीजाक्षर का मंत्र किया। बाद में काम बीज क्लीम का बीजाक्षर का मंत्र किया। और हे सुरथ, मैं माता चामुंडा का भक्त हूँ, मैं चामुंडा का मंत्र जप करता हूँ, मैं राजा, मैं तुम्हें ऋषि के रूप में तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। अगर इन तीनों तुम्हारे पितामह और पितामह के मंत्रियों से एक मृणमय मंत्री यानी मिट्टी की मूर्ति तैयार करके इस मूर्ति को अपने गुरु के सामने तुम
इसलिए कितना भी जप होता है उतना कर दे, तू जो चाहता है वो प्राप्त करेगा, ये मेरा वचन है, ऐसा उन्होंने कहा। असुर मृणमय मूर्ति को तैयार किया और वो देखते रहेगा कि वो मृणमय मूर्ति, यानी मृणमय का मतलब होता है मट्टी मिट्टी की मूर्ति, वो आज हम जिसे काली कहते हैं उस काली की मूर्ति थी, उसको रखकर कहा कि इसे केवल रात्रि काल में ही पूजा जाता है, इसका नाम है निशा काली, ये रात्रि कालीन कालरात्रि, इसे कालरात्रि भी कहा जाता है और निशारात्रि भी कहा जाता है, निशा काली भी कहा जाता है। जो साधक अपने जीवन में इस निशा काली की पूजा करता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने अपने डायरी में सिद्धाश्रम में ये साधना दस महाविद्या की पहली साधना सिद्धाश्रम के योगियों के साथ करवाई जाती है, इसे निशा काली कहा गया। और यह काली की साधना जो संपन्न करता है उसे दुर्गा सप्तशती या चंडी या और कोई दशमाविद्याओं को मंत्र करने का अधिकार प्राप्त होता है। जो पहले पहले हम स्वयंभू मनु को माता भगवती ने मंत्र देकर कहा था कि तुम जिस मिट्टी की मूर्ति तैयार करते हुए रात्रि में उस मूर्ति की पूजा करो, वे पूरे में मनवंतर के यानी अपना राज्य जब तक अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, यह लाखों 8 लाख वर्ष तक, और इसके अधिपति वो मनवंतर के मनु कहलाए जाते हैं, वही उतने एक भगवती की आराधना करके उतने चक्रवर्तित्व को प्राप्त किया है। तो हम उस विधान को बिना किए कोई भी भगवती की कोई भी देवता की आराधना, कोई देवी देवता की आराधना करते हैं तो हम उसकी उसमें उतना प्रामाणिक सत्यता को प्राप्त नहीं कर सकते जितने जिसमें यश कीर्ति सब कुछ प्राप्त होता है। और यश कीर्ति सम्मान धन ऐश्वर्य ये सारी प्राप्त होने के लिए पहली बार स्वयंभू मनु ने ये साधना माता भगवती के कहने पर की थी। और ये साधना को करने के बाद ही उन्होंने बाद में ये जब आए सूरत नाम के संविधान नाम के ऋषि ने जब सूरत को कहा तब उन्होंने इन तीनों बीजाक्षरों को मिलाते हुए कहा कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय युचे नवाणो मंत्र उनको दिया सूरत को। और उसके बाद इस मंत्र को करने के बाद उन्होंने जब ये मंत्र के साथ जितने लोग भी महान हुए उन महानता की चर्चा मार्कंडेय महर्षि ने की और कहा कि शुंभ निशुंभ को किसने मारा, माता काली ने। बाद में जितने भी महिषासुर को किसने मारा, लक्ष्मी के तत्व ने। बाद में जिन राक्षसों को बाद में मारा वो कौशिकी नाम के सरस्वती तत्व के देवी ने मारा, तो उन तत्वों को बोलते हुए दुर्गा सप्तशती लिखी गई है। और मिट्टी की मूर्ति बनाकर ही इस तत्व को नवारण मंत्र को करते हुए उसका विसर्जन करना है, ये एक बात कही है। लेकिन माता भगवती कहती है अगर आप इन तीनों मंत्रों को या नवारण मंत्र को करना चाहते हैं तो इससे पहले तुम निशा काली की साधना इसलिए करो कि वो निशा काली से ये सारे लोगों का जन्म हुआ है। माता भगवती ने पहली बार उस मूर्ति में उस मिट्टी की मूर्ति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करते हुए कहा था मैं ये हूँ तुम इसकी आराधना करो। और इसकी आराधना करने के बाद तुम सारी चीजों को जिस आदि निशा काली को, काली का मतलब होता है रात में, दिन में तो तुम सब कुछ देखते हो, काली होती है काल पर निर्णय करने वाली, काल को अपने कब्जे में करने वाली। अब तो हम कहते हैं हम कहीं भी जाते हैं अरे मेरा नसीब भी ऐसा है, मेरा मुहूर्त अच्छा नहीं है, मेरे ग्रह अच्छे नहीं है, ये सारे काल पर आधारित है। और उस काल को जो भी कंट्रोल करने वाली देवता है वो काली है। महाकाल को भी कहते हैं हम ज्योतिष के अनुसार, हम कहते हैं कि मेरा काल कैसा चल रहा है, मेरे ग्रहों का कैसा चाल चल रहा है, ये आप पूछते हैं। और इस काल का निर्णय करने वाले काल निर्णय महाकाल को महाकाल निर्णय कहा गया है। लेकिन महाकाल को निर्णय करते समय कभी भी गलती हो सकती है। एक बार उदाहरण नहीं देता लेकिन झांसी की माँ, हम झांसी की महारानी के बारे में हम जानते हैं, उनके बेटे का नाम था दामोदर राव। एक पंडित ने जबकि उनका गंगाधर राव झांसी महारानी के पति मर गए थे तो गोद लेने के लिए उनको संतान नहीं थी और इंग्लिश वाले जिसका संतान है तो उनका राज्य अपने पास ले लेते थे। तो झांसी की रानी ने क्या किया, अपने एक बेटे को गोद लिया। गोद लेने से पहले पंडितों के पास गई और कहा कि ये बेटा कैसा है, ये बेटे के बारे में बताओ। तो सब लोगों ने ज्योतिष देखा और कहा कि ये तो इसको राजयोग है, इसमें ये तो बहुत बड़ा महान राजा होने वाला है। अब उनके कहने पर उन्होंने उसे गोद ले लिया, अपने पीठ पर लेकर युद्ध की। लेकिन अगर आप कभी इतिहास पढ़ते हो तो मराठी में इसके बारे में एक चरित्रकार ने लिखा है कि दामोदर राव की जिंदगी कैसे गुजरी, महारानी झांसी रानी के चले जाने के बाद अंग्रेजों ने उनको कितना सताया, वो छुप छुप के अपने जीवन जीते थे और आखिरी काल में उसका जीवन कैसा हुआ, तो ये महाराज योग कहा गया। अगर हम किसी पर आधारित गलती से भी हम देख लेते हैं कि हमें कोई राजयोग कहा महाराज योग कहा तो हमारे जीवन अगर सही नहीं निकला तो कुंडली के अनुसार हमें बहुत ही पछताना पड़ता है। इसलिए महाकाल को आधारित महाकाल के को जानने वाले ही पंचांग और काल का निर्णय करने वाले और काल के बारे में फलित बताने वाले को महाकाल का आशीर्वाद होना जरूरी है।
लेकिन मैंने इससे पहले भी आपको एक बार एक कथा सुनाई थी बहुत बहुत दिन पहले, कि मृकंड नाम के ऋषि थे, उनकी दो संतानें थी। वो संतानें ऐसी जन्म ली कि वो इतना अराजकता उनके उनके जीवन में थी कि वो माता को माता नहीं कहते थे, पिता को पिता नहीं कहते थे, बहन को कोई भी स्त्री देखना उसको खराब करना, उसका धन लूट लेना, उनका गला काट देना, ऐसी चीजें करते थे। उस ऋषि के दो पुत्र होने के बाद भी ऋषि उनसे इतना तंग आ गया था, वो कोई देवता पूजा करता था, देवता को उठा ले जाकर पानी में डाल देते थे। अब ऋषि बहुत तंग हो गया, उन्होंने ब्रह्मा की आराधना की, विष्णु की आराधना की, अपने महेश्वर जी की आराधना की और कहा, हे महाकाल, ये ऐसे कैसे जन्मे हैं, इनका कैसे सुधरेंगे, इसको कुछ ना कुछ करो। तो सभी ने कहा कि उनका ये ऐसे मूर्तवत जन्म लिए हैं कि इनको कोई बदल नहीं सकता, इनका कोई उद्धार नहीं हो सकता,